इन्फ्लुएंस डोमिनेंट रिलीजन ऑफ एम्पायर्स अराउंड देम। फॉर एग्जांपल, तो हमको दो तरफा इन्फ्लुएंस दिख रहा है। कल हमने जैसे पढ़ा कि आपके आदिवासी जो हैं, ठीक है, दे इन्फ्लुएंस मेन स्ट्रीम रिलीजन्स, और मेन स्ट्रीम रिलीजन भी कभी कभी आदिवासी रिलीजन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जगन्नाथ जो है, ठीक है, जगन्नाथ का जो कल्चर है, जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, इट्स बेसिकली एन आदिवासी कल्चर, बट इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द मेन स्ट्रीम कल्चर ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, और साइमल्टेनियसली, तो दोनों तरफ भी ऐसा होता है, ठीक है। जगन्नाथ कल एंड शक्ति एंड तांत्रिक, जैसे आपका दुर्गा पूजा जो है, ठीक है, ये भी आपके आदिवासी टेंट से चालू हुआ था, ठीक है। तांत्रिक जो पूजा होती है, पूजा विधि होती है, वो भी आदिवासी कल्चर से चालू हुआ था, एंड इट्स इन्फ्लुएंस्ड द मेन स्ट्रीम। आपने सुना रहेगा अघोरी बाबा लोग होते हैं, ठीक है, सो दे बेसिकली बिलोंग टू दिस स्ट्रीम, ठीक है। 19th सेंचुरी आदिवासी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। अभी देखो, आदिवासी का ज्यादा करके प्रॉब्लम ये था कि उनको प्रॉपर रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, उनको हमने मार्जिनलाइज करके रखा था, ठीक है, उनको हमने मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड ही नहीं किया, उनको हमने जो तमाम एमिनिटीज या डेवलपमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज हम दूसरे वर्गों को हमने दिया, वैसा हमने उनको नहीं दिया, जिससे हुआ क्या, ये एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो गई। और जब क्रिश्चियंस आए, तो क्रिश्चियंस मतलब कैथलिक्स लोग जब आए, तो उनका कभी वो था कि धर्म का प्रचार करो और जितने लोगों को हो सके कन्वर्ट करो, अभी भी वैसा करते हैं वो, ठीक है। सारे धर्मों में ऐसा होता है कि इंक्रीज आर नंबर्स, तो क्रिश्चियनिटी अपनी इंक्रीज कर रही थी नंबर्स, और उन्होंने देखा कि इतना बड़ा जो एक वर्ग है, ठीक है, उसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है, उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसका रैशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसका जो एमिनिटीज है वो नहीं हुई है, तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, इनको इनकरेज करना चालू कर दिया, ठीक है। सो दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग इट, तो इनको घर दिया, इनको रहने को घर दिया, इनके बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी फ्री में, ठीक है, सो हेल्प करने लगे, ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिए जाने लगे। तो इससे क्या हो गया, आदिवासी अलॉन्ग और रादर अ ह्यूज कम्युनिटी ऑफ आदिवासी स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। भाई अगर कोई मुझे सामने से इज्जत दे रहा है, कोई मेरे बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम तैयार कर रहा है, कोई मुझे अगर अपलिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे को धर्म परिवर्तन में क्या जाता है ना, मेरे को अगर जीवन की सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो आई विल इज, क्योंकि ऐसा भी मेरे धर्म ने मेरे को कुछ दिया नहीं। एक आदिवासी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि वो लोग अपने धर्म में थे, लेकिन उनको मिला क्या, कुछ भी नहीं ऑलमोस्ट, ठीक है। सो आफ्टर ऑल दिस, इफ दे आर गेटिंग अपलिफ्टेड इन द सोसाइटी, दे विल इजिली गेट देमसेल्व्स कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो ये होने लगा भाई साहब। दिस हैज इमर्ज एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री। मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में आप देखोगे एक ह्यूज कम्युनिटी ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया, ठीक है। इसलिए नहीं क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्टेड थे, इसलिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी सोसाइटी में अपलिफ्ट होने की, ठीक है। इसलिए नहीं कि दे वर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द बाइबल और मे बी जीसस क्राइस्ट टीचिंग्स, दे वर गेटिंग द अपलिफ्टमेंट दैट दे हैव नॉट गॉटन फ्रॉम द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टिल नाउ, ठीक है। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द पॉसिबली ओल्ड एज संस्कृत। दिस वन हैज, तो यहां पे भाई साहब अलग अलग, दिस वन हैज ऑफनली डिफरेंटली इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, ठीक है। दिस हैज ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्म, तो आपका जो मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेज है, ये समझ लीजिए बंगाली है, ये आदिवासी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। संतली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट और ई-ज़ाइन्स, ठीक है। तो संतली एक लैंग्वेज है जो लोग करते हैं। स्टीरियोटाइपिंग, हमने आदिवासी को स्टीरियोटाइप क्यों बोला है, स्टीरियोटाइप मतलब ये ऐसे ही है, हमने बोल दिया ना जैसे कि मैं तो वैसा वैसा ही हूं, ठीक है। तो ये हमने स्टीरियोटाइप मतलब आप चेंज होने का आपके में कोई स्कोप ही नहीं है, यू आर लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो ये गलत है, ये सोच गलत है कि एक ह्यूमन बींग चेंज नहीं हो सकता है। एक ह्यूमन बींग को अगर सही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो क्यों नहीं चेंज होगा, अगर चेंज होने की जरूरत रहेगी तो जरूर चेंज होगा, ठीक है। तो स्टीरियोटाइपिंग हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आदिवासी मतलब हमारे दिमाग में ऐसे ही ख्यालात आते हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, अशिक्षित वर्ग है, ठीक से बोलना चलना नहीं आता है इनको, या जंगल के घास फूस लकड़ियों से इनका जीवन चलता है, ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आने लगती हैं, बिकॉज एंटायर कम्युनिटी को हमने स्टीरियोटाइप कर दिया है, बिकॉज वी हैव स्टीरियोटाइप द एंटायर कम्युनिटी, ऐसा ही होगा, थप्पा लगा दिया है, ठीक है। इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वेज, ठीक है।
Thus, during school functions or other official events or in books and movies, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways, in colorful costumes, headgear, through their dancing. तो ये stereotypical ways है, देखो एक colorful costume पहना देंगे, उनको turban वगैरह लगा देंगे dancing करते हुए, इस तरह से हमने आदिवासियों को portray किया है। तो generally बचपन से हम जो देखते सुनते और समझते आए हैं आदिवासियों के संबंध में, वो इस तरीके का स्टीरियोटाइप या इंप्रेशन हमारे दिमाग में छोड़ता है। तो जब भी हम आदिवासी कल्चर के बारे में सोचने की, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, हमारे माइंड में ऑलरेडी एक इम्प्रिंट रहता है, ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर और दिस इज हाउ दे आर। बिसाइड्स दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ, लेकिन हमारे को इसके सिवा कि मतलब नाचते थिरकते कुछ लोग हैं, एक समुदाय है, इसके सिवा हमको आदिवासी के बारे में एक्चुअली में कुछ नहीं मालूम, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द आदिवासी, ठीक है, ओके। दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स टू द पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्सोटिक प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। तो ये हमारा स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। देखो एक्सोटिक मतलब क्या है, वो जंगल के जनजीवन से अपना जीवन चलाते हैं, जंगल के फ्रूट्स पत्ते वेजिटेबल्स, ठीक है, एनिमल्स, इससे अपना जीवन चलाते हैं। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब आदि मानव है, उनका विकास नहीं हुआ है, ठीक है, और वो बैकवर्ड है, ऐसा हमारा मानना है, ऐसे हमारे दिमाग में इम्प्रिंट है। वी हैव नॉट सीन देयर लाइव्स, वी हैव नॉट ऑब्जर्व देयर लाइव्स, बट हमने स्टीरियोटाइप कर दिया है इनको कि ऐसे ही होंगे, ठीक है, दैट इज वॉट वी हैव फॉर देम एज अ परसेप्शन। ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव टू बी रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज। तो इनका भाई साहब चेंज में रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये चेंज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा हमने मान लिया है। लेकिन अगर आप देखोगे, इन्होंने चेंज को अडॉप्ट किया, जैसे ही क्रिश्चियनिटी आई और क्रिश्चियनिटी ने इनको अपॉर्चुनिटीज दिया, तो इन्होंने फटाफट अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है। हमने उनको राइट टाइम पे राइट तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं दी, हमने उनको एक नेग्लेक्टेड कम्युनिटी ही माना, ठीक है, हमारे भारतवर्ष में हमने उनको नेग्लेक्ट ही किया। बाहर से लोग आए, उनके साथ कनेक्ट हो गए, उनको अपने धर्म में परिवर्तन कर लिया और उनका विकास भी कर दिया, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। सो इट्स समवेयर डाउन द लाइन हमारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है, ये बैकवर्ड ही है, ऐसे ही रहेंगे, ऐसा हमने उनके ऊपर इम्प्रिंट करके रखा था, जिसके वजह से हमने उनका विकास नहीं कराया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज, लेकिन हमने कोशिश ही नहीं की कि उनको चेंज करें, हमने कोशिश ही नहीं की कि उनको डेवलपमेंट करें, उनका डेवलपमेंट करें। बाहर के लोग अगर सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, हम क्यों नहीं हो पाए, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, वी बिलीव देम दैट दे आर रेजिस्टेंट। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, यू विल रिमेंबर दैट यू रेड इन क्लास 6 बुक हाउ स्टीरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप्स। स्टीरियोटाइपिंग इनसे नहीं होने वाला। अगर मैं एज अ टीचर तुमको बोलता रहे यार तुम फालतू स्टूडेंट हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है, हर टीचर आपको ऐसे ही अगर बोलने लगे, सो तुम अगर अच्छे स्टूडेंट बनने का तुम्हारे अंदर कोई स्कोप भी रहेगा तो वो भी मर जाएगा, है ना। दैट विल हो सकता है तुम पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअसली यही बोलता रहा, अरे तुमसे ना हो पाएगा, चलो आगे चलो, ऐसे अगर हम स्टीरियोटाइप करते रहे आपको, तो विल यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू मैनेज टू बिकम अ गुड स्टूडेंट? यू माइट, लेकिन आप पहले से डिमोटिवेट हो गए हैं, ठीक है। सो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है, ये बहुत एक हमारे माइंड में यही इम्प्रिंट है कि ये यू नो नाचने गाने वाले लोग हैं, ठीक है, और जंगल से इनका जीवन चलता है, ऐसा हमने इनको मान लिया, इनको हम क्या ही सुधारेंगे, ठीक है, ऐसा है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज स्टीरियोटाइपिंग, ये जो स्टीरियोटाइपिंग हो रही है, इसी से आगे चल के भाई साहब क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। स्टीरियोटाइपिंग इज बेसिकली लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन। आपको मालूम नहीं है कि आपका ये ख्याल इनके लिए मतलब इनको अब अलग कर दे रहे हैं हम, इसी को हम बोलते हैं मार्जिनाइजेशन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं भाई साहब मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। हमने भाई साहब इनको, इस कम्युनिटी को एकदम मार्जिनलाइज कर दिया, समझ में आ रहा है। छोटे से ही हमको भाई साहब बोला कि ये आदिवासी है भाई साहब, ऐसे इनका जीवन चलता है, ऐसा स्टीरियोटाइपिंग हो गया, एंड वी आर फाइनली मार्जिनलाइजिंग देम, ठीक है। तो स्टीरियोटाइपिंग से डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन से फाइनली मार्जिनलाइजेशन। दिस इज हाउ एक्चुअली ग्रेजुअली वी आर मार्जिनलाइजिंग अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को हम पूरा पूरा अलग कर रहे हैं, ठीक है। All as you have already read in your history textbook, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilizations in India. Forests बहुत important होते थे एक time पे, क्योंकि यहाँ से आपको जड़ी बूटियां मिलती थी, यहाँ से आपको भाई साहब फल फूल जानवर ये सब मिलते थे, ठीक है। Forests were treasure houses,
और हमारे एग्रीकल्चर कंट्री एज एग्रीन इकोनॉमी इंडिया में फॉरेस्ट वेयर ट्रेजर हाउसेस एक टाइम पे, ठीक है, तो फॉरेस्ट वुड मिलता था पहले, तो भाई साहब गैस नहीं होता था, चूल्हा कैसे जलाएंगे, जंगल की सूखी लकड़ियों से जलाएंगे ना, चूल्हा जलेगा तो खाना बनेगा तो आप खाएंगे, ठीक है, तो वहां से सारी चीजें शुरू होती हैं। तो फॉरेस्ट वेयर ट्रेजर हाउसेस, तो आपका देखो मेटल ओर्स, अभी प्रॉब्लम यह है कि इन फॉरेस्ट में ही हमने धीरे धीरे डिटेक्शन चालू कर दिया, बहुत सारे मेटल्स मिल रहे हैं इन जमीनों के नीचे, इसके लिए फॉरेस्ट की माइनिंग चालू हो गई, ठीक है, तो जैसे आयरन कॉपर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, गोल्ड, ठीक है, देन वी हैव सिल्वर, ठीक है, ऑल दीज आर कोल, ठीक है, डायमंड्स, ऑल दीज आर बेसिकली आपके ओर्स हैं, ठीक है, ये ओर्स से हम इन चीजों को निकाल रहे हैं, और ये ओर्स कहां पे होते हैं, दे आर जनरली फाउंड बिलो द अर्थ, और फॉरेस्ट में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस लोकेट हुए, तो ऑब्वियसली ये तो करोड़ों का धंधा है, तो हम फॉरेस्ट को हमने काट कर और वहां पे माइनिंग चालू कर दी। इसके चलते हुआ क्या, जो भी वहां पे फॉरेस्ट को लेकर जो लोग आदिवासी लोग थे उनको भाई साहब जाना पड़ा, जैसे हमने कल एक केस स्टडी किया कि कैसे उनको अपना जगह बेचकर फोर्सफुली जाना पड़ा, ठीक है, दे हैड टू लीव देयर प्लेसेस एंड वेकेटेड फॉर माइनिंग पर्पसेस, ठीक है, तो गवर्नमेंट इनको भगा तो देती है या सरकार इनको भगा तो देती है, लेकिन इनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं करती, ठीक है, कि हाँ चलिए आपको हमने रिलोकेट किया यहां पे आप रहिए, इनको अक्सर अपने कस्बे को या अपने फॉरेस्ट को छोड़कर एक अलग ही प्रांत में जाकर रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, एंड दैट्स अ ह्यूज टास्क, ठीक है, ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका इनवैल्यूएबल टिम्बर, टिम्बर मिलता है हमको फॉरेस्ट से, ठीक है, टिम्बर मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, ठीक है, आपके जितने भी आयुर्वेदिक इलाज हैं वो हमको वहां से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वैक्स वगैरह मिलता है, ठीक है, लैक, ये काफी पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, सील करते हैं, आपने देखा नहीं इस केमिकल को, आप जब किसी चीज को सील करते हैं ना तो लैक यूज करते हैं, कभी सील्ड एनवेलप आया है आपके घर में, सील्ड एनवेलप मतलब उसमें ठप्पा लगा होता है, एक काला कलर होता है, एक चीज, एक ये लैक होता है, गोंद की तरह होता है, ये चिपक जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैक, ओके, देन वी हैव हनी, ठीक है, सो ऑल दीज आर थिंग्स, एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सो ऑल केम फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये सारे के सारे भाई साहब फॉरेस्ट से आए हैं, इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंड्स हेविली ऑन फॉरेस्ट, ठीक है, तो आपका जो लाइफ है वो काफी सारा आपके फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्रूशल टू द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ आर एयर एंड वॉटर, तो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदिवासी कम्युनिटी के लिए ही फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ एयर डिटरमिन होता है कि एक 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 पूरे देश में कितना फॉरेस्ट है, ठीक है, जितने ज्यादा फॉरेस्ट होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, एंड दैट विल बी बेसिकली अ डिटरमाइनर ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, ओके, इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हेविली ऑन फॉरेस्ट that help recharge many of India's rivers and is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water. ठीक है, तो ये हमारे forest covered the major portion of our country. एक time पे ऐसा था 19th century में. The आदिवासीज had deep knowledge of. अभी आदिवासीज का advantage क्या था, इनको सब कुछ मालूम था कि forest में कहां किधर क्या मिलेगा, forest के में रस्ते नहीं थे लेकिन इनको रास्ता मालूम था, ठीक है, The आदिवासीज had a deep knowledge of access to as well as control over most of these vast tracts at least till the middle of the 19th century. ये 19th century की कहानी है, ठीक है, जहां पे forest India में forest cover बहुत ज्यादा था और आदिवासी को बड़ा deep knowledge था इस forest के बारे में, ठीक है, they had a very deep knowledge about the forest. This meant that they were not ruled by large states and empires. Instead, often empires heavily dependent on आदिवासीज for the crucial access to forest resources. ठीक है, इनका डिपेंडेंसी नहीं था लार्ज एम्पायर्स में, इनफैक्ट जितने भी बड़े बड़े एम्पायर्स थे दे वर डिपेंडेंट ऑन द आदिवासी सो दैट दे कैन गाइड देम एज टू हाउ टू यूज द फॉरेस्ट रिसोर्सेस. ठीक है, दिस इज रेडिकली कॉन्ट्रेरी टू आवर इमेज ऑफ आदिवासीज. हम आज सोचते हैं कि आदिवासीज बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, लेकिन एक टाइम था जब आदिवासी से एम्परर्स लोग सलाह लेते थे, समझ में आ रही है. ठीक है, टुडे वी आर थिंकिंग अरे ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, ये हमारी मान्यता है आज की तारीख में, लेकिन एक टाइम था जब बड़े बड़े राजा महाराजा लोग इनसे कंसल्टेशन करते थे कि इस फॉरेस्ट में क्या मिलेगा, इस फॉरेस्ट में क्या मिलेगा, ऐसा कंसल्टेशन, तो दे वेर कंसल्टेड अपॉन, दे वेर इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो दिस इज रेडिकली कॉन्ट्रेरी, इसलिए हम बोलते हैं ये बेसिकली कॉन्ट्रेरी है. ठीक है, टू आर इमेज ऑफ आदिवासीज टूडे एज सम वॉट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज. एक टाइम था जब ये बहुत पावरफुल थे, दे वेर कंसल्टेड ऑन दीज थिंग्स. ठीक है, इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे वेर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर गैदरर्स एंड नोमैड्स.
ठीक है, तो इनको भाई साहब हंटर गैदरर्स होते थे पहले के टाइम पे एंड नोमैड्स, दे लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस। तो ये क्या करते थे, एक जगह पे थोड़ा बहुत खेती बाड़ी की, फल फूल उगाए जो भी है उन्होंने उसको कंज्यूम किया, फिर आगे बढ़ते थे। दे डिडंट हैव अ परमानेंट ड्वेलिंग, दे डिडंट हैव अ परमानेंट हाउस, सो दे यूज्ड टू कीप ऑन शिफ्टिंग, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑल्दो दीज रिमेन फॉर द पास्ट 200 इयर्स, आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल फोर्स। तो काफी सारे चेंजेस आ गए और इनके ऊपर ये सारे चेंजेस लागू हो गए, इकोनॉमिक चेंजेस इनके ऊपर आए, ठीक है। देन दे वर सब्जेक्टेड टू फॉरेस्ट पॉलिसीज, पॉलिटिकल फोर्स। फॉरेस्ट पॉलिसीज पहले लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की थी भाई साहब, ब्रिटिशर्स ने। देन दे वर सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकल फोर्स, काफी इन पे पॉलिटिकल फोर्स लगा। अप्लाइड बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री टू माइग्रेट टू लाइव एज वर्कर्स, ठीक है। ये प्लांटेशन थे आपके, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड इंडस्ट्रीज थे भाई साहब, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स। ये तो अभी जब इनको एक जगह से उखाड़ फेंका गया तो ये क्या करेंगे, अपने जिंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो दीज दीज आदिवासीज हु वेर हैविंग अ वेरी रिच नॉलेज एंड हु वेर कंसल्टेड अपॉन वेरियस थिंग्स फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वेर नाउ अप्रूवेड एंड दे स्टार्टेड वर्किंग इन प्लांटेशन, दे स्टार्टेड वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड इंडस्ट्रीज, मजदूर की तरह काम करने लगे, डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है। फ्रॉम 1830s आदिवासीज फ्रॉम झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरियाज मूव्ड इन वेरी लार्ज नंबर्स टू वेरियस प्लांटेशंस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, मॉरिशस तक चले गए, कैरेबियन एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जहां पे भी भाई साहब लोगों की जरूरत पड़ी तो वहां पे वो गए, ओके। फ्रॉम 1830s आदिवासीज, इंडिया टी इंडस्ट्री बिकेम पॉसिबल विद देयर लेबर इन आसाम। तो आसाम में बहुत बड़ा समुदाय जो है वो जाकर रिलोकेट हो गया। आज की तारीख में आसाम की चाय पूरे वर्ल्ड भर में फेमस है, इंडिया काफी ज्यादा इनकम आसाम की चाय को बेच कर कर रहा है, लेकिन इसके पहले सारा जो श्रेय जाता है वो फॉरेस्ट या आदिवासियों के पे जाता है, क्योंकि इन्होंने इस चीज पे बहुत ज्यादा मदद की, ठीक है। टुडे देर आर 70 लाख आदिवासीज इन आसाम अलोन, ठीक है, आसाम में ही इतने ज्यादा आदिवासी हैं। द स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, टॉर्चर, हार्ट ब्रेक एंड डेथ, ठीक है। आज की तारीख में हम चाय के लिए पूरे दुनिया भर में फेमस हैं, लेकिन ये एक बहुत ही कष्टदायक स्टोरी थी। ये रिलोकेट हुए, इनको भाई साहब आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स की तरह इंप्लॉय किया गया, लेकिन काफी लोग मारे गए, काफी डिजीज से इंपैक्ट हुए, ठीक है, बचपन छिन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द 19th सेंचुरी अलोन 5 लाख आदिवासीज हैड परिश्ड इन दीज माइग्रेशंस, 5 लाख आदिवासियों की मौत हुई थी, ठीक है, इन 19th सेंचुरी अलोन। मतलब अपने जंगलों को छोड़कर जब इनको फोर्सफुली माइग्रेट कराया गया आसाम तक, तो पैदल चलते हुए जा रहे ऐसे 5 लाख लोग आदिवासीज में अपनी जान गवाई थी, दैट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है, 5 लाख पीपल हैड लॉस्ट। द सॉन्ग बिलो कैप्चर्स द होप ऑफ द माइग्रेंट्स एंड द रियलिटी दे फेस इन आसाम, ठीक है। कम मिनी लेट्स गो टू आसाम, आवर कंट्री हैज सो मच सफरिंग, द कंट्री ऑफ आसाम ऑन मिनी हैज टी गार्डन्स फुल ऑफ ग्रीनरी, द सरदार से वर्क वर्क, द बाबू सेज कैच एंड ब्रिंग देम इन, द साहिब सेज आई विल टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक, ठीक है, चमड़ी उधेड़ लूंगा बोलते हैं ना, ठीक है, मार मार के, हे जादू राम यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू आसाम, तो तुमने हमको उल्लू बनाया, तुमने हमको ये सपना दिखाया कि हम अगर आसाम में आएंगे तो हमारा लाइफ सही हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में उल्टा हो गया है, ठीक है। दिस इज अ फोटो ऑफ नियामगिरी हिल लोकेशन इन कालंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, द एरिया इज इनहेबिटेड बाई डोंगारिया कोन्स एंड आदिवासी कम्युनिटी, ठीक है। नियामगिरी इज अ सेक्रेट माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटी, ठीक है। अ मेजर एल्यूमिनियम कंपनी इज प्लानिंग टू सेटअप अ माइन एंड अ रिफाइनरी हियर विच विल डिस्प्लेस द आदिवासी कम्युनिटी, तो भाई साहब यहाँ पे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हो सकता है, तो एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे आएगी और ऑब्वियसली ये सब के सब रिलोकेट हो जाएंगे, ये सब के सब डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। दे हैव बीन जॉइंड बाय स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेड दिस प्रपोज डेवलपमेंट एंड हैव बीन जॉइंड विद एनवायरमेंटलिस्ट एज वेल, सो वी आर डोंगरिया कोन वेदांत कैंटन टेक आवर माउंटेन, ऐसा लिखा हुआ है कि भाई साहब हमारे माउंटेन को ये लोग ले ले रहे हैं। अ केस अगेंस्ट द कंपनी इज ऑल्सो पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, तो ये सारी तमाम चीजें हैं। आदिवासीज यूज्ड अराउंड 10,000 प्लांट स्पीशीज अप्रोक्सीमेटली, 8,000 स्पीशीज आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, 325 आर यूज्ड फॉर पेस्टिसाइड्स, 425 एज गम्स, रेजिन्स एंड डाइज, 550 एज फाइबर्स, 3,500 आर एडिबल, खा सकते हैं जिनको हम।
दिस एंटायर नॉलेज सिस्टम गेट्स वाइप्ड आउट व्हेन आदिवासीज लूज देयर राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड्स। ठीक है, तो इतना ज्यादा इन्होंने फॉरेस्ट से, इनको इतना ज्यादा नॉलेज है, तो आप जैसे ही इनको फॉरेस्ट से डिसलोकेट कर देंगे तो ये सारा का सारा नॉलेज भी वहीं दबा रह जाएगा। ठीक है, दे हैव द नॉलेज ऑफ सो मेनी थिंग्स। ठीक है, कब क्या लगेगा, देयर फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो टिम्बर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए आदिवासीज हैव ऑल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। They are taken over for mining and other large industrial projects. Powerful forces have often colluded to take our tribal land. Much of the time the land is taken away forcefully and procedures are not followed. ज्यादा करके लैंड को फोर्सफुली ले लिया जाता है और प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है। देखिए, जब भी आप किसी का लैंड ले रहे हैं तो उसको बदले में और इंटरेस्ट के साथ आपको लैंड देना पड़ेगा। Then you have to also make sure that they are rehabilitated. उनको आपने हाउसिंग वगैरह देकर कहीं और रिहैबिलिटेट कर दिया है, लेकिन ज्यादा करके फॉरेस्ट के जो लैंड है वो ऐसे ही छीन लिए गए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट की जमीन किसी के नाम पे होती नहीं। ये लोग रहते हैं यहाँ पे, चलो भगा यहाँ से, भगा दिया। ठीक है, मिलिट्री उतारी, पुलिस उतारी और उनको भगा दिया। ठीक है, दे आर जनरली फोर्सफुली टेकन अवे, देयर लैंड्स आर जनरली फोर्सफुली टेकन अवे। ठीक है, सो अलग अलग पर्पजेस के लिए लैंड्स को, और इनको अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर्स मोर देन 50% ऑफ पर्सन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स आर ट्राइबल्स। तो 50% या 50% के ज्यादा लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं वो प्राइमरली माइनिंग के लिए हुए हैं। ठीक है, माइनिंग के लिए, एक्सटेंसिव माइनिंग के चलते इन लोगों को डिस्प्लेस किया गया है 50%। ठीक है, मोर देन 50%। अनदर रिसेंट सर्वे रिपोर्ट बाई ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग अमॉन्ग आदिवासी शोज दैट 79% ऑफ द पर्सन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड आर ट्राइबल्स। ठीक है, तो 79% जितने भी लोग हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं इन स्टेट से, ये सब के सब भाई साहब ट्राइबल्स हैं। डिस्प्लेस मतलब दूसरे स्टेट्स में इनको जाना पड़ा है, अपने जमीन को छोड़कर इनको जाना पड़ा है। ठीक है, 79% ह्यूज ट्रैक्स ऑफ देयर लैंड्स। ठीक है, ह्यूज ट्रैक्स ऑफ देयर लैंड्स हैव ऑल्सो गन अंडर द वॉटर्स ऑफ हंड्रेड ऑफ डैम्स दैट हैव बीन बिल्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो काफी सारे डैम्स बनाए गए, डैम्स के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पे रिवर्स और लैंड्स की जरूरत पड़ती है, और इसके चलते इनका पूरा पूरा लैंड चला गया है। ठीक है, दे हैव लॉस्ट देयर लैंड्स। ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड एंड वॉर टॉर्न। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो वो हमारे चाइना के बॉर्डर और बर्मा के बॉर्डर से होता है भाई साहब, तो दीज आर बेसिकली सेंसिटिव एरियाज, तो इन जगहों पे हमेशा मिलिट्रीज को इंप्लॉय करना ही पड़ता है, मिलिट्री पीपल हैव टू बी एम्प्लॉयड देयर। ठीक है, सो लार्ज पोर्शन In the northeast, their lands remain highly militarized and war torn. Okay, India has 54 national parks and 372 wildlife sanctuaries covering this much square kilometer. ये भी land उनसे चला जाएगा, ठीक है? This land will also go. These are areas where the tribals originally lived, but they were evicted from. पहले tribals यहाँ पे रहते थे, और इनको यहाँ से निकाल दिया गया. When they continue to stay in these forests, they are termed as encroachers. जब तक ये forest में रहते हैं, तब तक इनको encroachers जाना जाता है. अगर क्योंकि आज की तारीख में इनको माना गया है कि ये जानवरों के लिए खतरा बन जाएंगे अगर ये यहां पर रहेंगे, दे आर नोन एज एनक्रोचर्स। ठीक है, लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट मींस दैट द ट्राइबल्स लूज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड। तो इनका मेन सोर्स ऑफ जो लाइवलीहुड है और फूड है वो चला गया। ठीक है, तो माइनिंग के पर्पजेस के लिए, डैम कंस्ट्रक्शन के पर्पजेस के लिए, एग्रीकल्चर के पर्पजेस के लिए जब हम इनको यू नो अपने लैंड से बेदखल करते हैं तो दैट इज बेसिकली इंपैक्टिंग देम। ठीक है, दैट इज इंपैक्टिंग देम यूजुअली। हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस टू द ट्रेडिशनल होमलैंड्स मेनी आदिवासीज हैव माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क वेयर दे आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस इन लोकल इंडस्ट्रीज और एट बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट्स। जब इनको भाई साहब अपना जमीन छोड़ के जाना पड़ा तो कहाँ जाएंगे, शहरों में आए, शहरों में इनकी एम्प्लॉयमेंट हुई मजदूर वर्कर्स की तरह। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में। ठीक है, और यहाँ पे वो काफी कम पगारों पे रखा गया। ठीक है, दस दे गॉट कॉट इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन। तो गरीबी में ये कैचअप हो गए। ट्राइबल पॉपुलेशन इन परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब जहां पे एक मिनिमम भी इनके पास नहीं है। ठीक है, मिनिमम चीजें भी इनको अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अर्बन एरिया में 35% और रूरल एरिया में 45% है बिलो पॉवर्टी लाइन ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, 45% रूरल एरिया में। दिस लीड्स टू डिप्राइवेशन इन अदर स्टेट अदर एरियाज। मेनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर मैलनरिश्ड।
मैल नरिश मतलब इनके पास प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, लिटरेसी रेट्स अमंग ट्राइबल्स आर वेरी लो, इनका लिटरेसी रेट्स बहुत लो है। व्हेन आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स दे लूज मच ऑफ मच मोर देन अ सोर्स ऑफ इनकम, दे लूज देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स अ वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग। तो सब कुछ चला गया ना इनके लाइफ के साथ। ठीक है, सो दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, दे लेफ्ट सम हाउसेस, दे टुक द क्रिमेशन ग्राउंड, क्रिमेशन ग्राउंड मतलब जहां पे दफनाया जाता है, टेम्पल वेल एंड पॉन, हाउ विल वी सर्वाइव, हमारा सब कुछ ले लिया। ठीक है, दे मतलब जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने डैम्स बनाए हैं, ये सब तो इन्होंने हमारा ले लिया, तो हमारे पास बचा क्या? ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या? हु वॉज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। ठीक है, As you have read, there exists an interconnectedness between the economic and social dimensions of tribal life. Destruction in one sphere naturally impacts in the other. तो एक स्पीयर को अगर आप बिगाड़ेंगे तो दूसरा स्पीयर भी आपका इंपैक्ट होगा। ठीक है, Often this process of dispossession and displacement can be painful and violent. ठीक है, अभी हम आते हैं भाई साहब माइनॉरिटीज पे। इसके पहले हमने डिस्कस किया आदिवासी को कैसे हमने मार्जिनलाइज किया, कैसे उनके राइट्स को ले लिया हमने विदाउट उनको बोले। अभी हम माइनॉरिटीज का मार्जिनलाइजेशन देखेंगे। सो व्हाट इज बेसिकली अ माइनॉरिटी, कैसे हम बोलेंगे कौन सी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हाउ विल वी से माइनॉरिटी मीन्स वॉट, माइनॉरिटी मीन्स वॉट, माइनॉरिटी मीन्स जिसका पॉपुलेशन कम हो, जिसकी तादाद कम हो। ठीक है, तो ऐसे हमारे जैसे हमारे इसमें काफी सारे ऐसे वर्ग हैं जिनकी तादाद कम है, तो जिनकी तादाद कम होती है तो उनको जनरली लोग डिसरिगार्ड कर देते हैं। ठीक है, इन यूनिट वन यू रेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान ने ये प्रोविजंस रखे हैं कि कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को वो सेफगार्ड करेंगे, दे विल प्रोटेक्ट देयर राइट्स, दे विल इंश्योर दैट बिकॉज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म द माइनॉरिटीज आर नॉट इंपैक्टेड, सिर्फ मेजोरिटी की ना चले। ठीक है, द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, न्यूमेरिकली स्मॉल है इन रिलेशन टू द रेस्ट। हाउएवर इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट गोज वेल बियॉन्ड नंबर्स, इट एनकंपसेस इश्यूज ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज and has social and cultural dimensions. Okay? As you read in Unit 1, the Indian Constitution recognized that the culture of the majority influences the way in which society and government might express themselves. तो ये होता है, ठीक है? जो आपका majority का culture होगा, उसी से हम influence होते हैं. Government को भी वो influence करेगा. Decision making process को भी वो influence करेगा. For example, अगर आप Middle East के countries में जाते हैं, let's say Dubai, Oman वगैरह, तो यहाँ पे अगर उनका नमाज का टाइम होगा और आप एक हिंदू हैं, लेट्स से यू आर वर्किंग देयर, या आप इस किसी और रिलीजन के हैं, आप काम नहीं कर सकते, वो आधा घंटा एक घंटा जो भी रहेगा, यू विल नॉट बी वर्किंग। ठीक है, यू वोंट हैव अ हॉलीडे ऑन संडे, यू माइट हैव अ हॉलीडे ऑन फ्राइडे जिस दिन उनका नमाज रहता है। ठीक है, ऐसे सिस्टम्स हैं। अ वुमेन आर स्टिल नॉट गिवन ड्राइविंग लाइसेंसेस। ठीक है, ये उनका कल्चर है, तो कल्चर इन्फ्लुएंस करेगा वैसा। ठीक है, ये होता है क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी आपका मुस्लिम कल्चर है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट के डिसीजन हैं वो भी मुस्लिम लाइंस पे होंगे, ऐसा होता है। ठीक है, कि यू नो वुमेन को ड्राइविंग लाइसेंस ना मिलना, वुमेन को यू नो हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी ना मिलना, या यू नो वुमेन को वर्क प्लेस में अलाउ ना करना। ठीक है, ऐसा उनका है, वैसा वैसा चला आ रहा है। ठीक है, तो दैट माइट इन्फ्लुएंस। आप किसी और धर्म के भी हो गए, लेकिन अगर नमाज का टाइम है तो आपको इनएक्टिव बैठना है, आपको नमाज पढ़ने नहीं बोला जा रहा है, बट यू हैव टू स्टे इनएक्टिव, यू कैन नॉट वर्क, यू कैन नॉट डू एनीथिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो वहां का कल्चर है जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। सो इसी तरह से हमारे यहाँ पे भी ऐसे कल्चर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो हिंदी कम्युनिटी है वो मेजोरिटीज्म में है, तो हमारे जो कल्चर है वो दूसरे को इंपैक्ट करेगा। ठीक है, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है कि मेजॉरिटी का जो कल्चर है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, हो सकता है और होता भी है। ठीक है, दिस जनरली हैपेंस।
तो एज यू रेट तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा हो सकता है ठीक है कि मेजोरिटी का जो कल्चर या रिलीजन है वो माइनॉरिटी के कल्चर या रिलीजन पे दबाव डाले ठीक है. इन सच केसेस साइज कैन बी डिसएडवांटेज एंड लीड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिव स्मॉलर कम्युनिटीज. तो कम्युनिटी अगर स्मॉलर हो जाएगी स्मॉल साइज होगी तो शायद हम उसको इग्नोर कर जाए ठीक है. इसीलिए देखो गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की कोशिश करे. अभी जैसे कुछ दिनों पहले one of the eminent industrialists in India, he lost his life. I mean, he expired. Ratan Tata. He is a Parsi. ठीक है. अगर आप देखोगे पारसी कम्युनिटी जो है ठीक है वो धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही है. सिर्फ मुंबई में ही है, बाकी कहीं पे नहीं है. वो भी पहले मैंने आज से 2 साल पहले सुना था 10,000, लेकिन वो और कंडेंस होती जा रही है. तो पारसी कम्युनिटी इज कंटिन्यूसली कंडेंसिंग ठीक है. तो गवर्नमेंट अभी क्या करे इनके लिए ठीक है. तो आप देखोगे एक डे आता है जिसको अपन बोलते हैं नवरोज, ये उनका न्यू ईयर होता है. उस दिन गवर्नमेंट ने हॉलिडे डिक्लेयर किया है ठीक है. सो दीज आर थिंग्स स्मॉल स्टेप्स. हाँ गवर्नमेंट ने नवरोज को हॉलिडे डिक्लेयर किया है. अगर किसी स्कूल में ये नहीं फॉलो हो रहा तो उनकी मर्जी है, बट नवरोज को आपको हॉलिडे देना पड़ेगा. स्पेशली स्कूल इन महाराष्ट्र दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये कंडेंसिंग कम्युनिटी है. गवर्नमेंट अभी इस कम्युनिटी के लिए क्या करे ठीक है. ये धीरे धीरे स्मॉल साइज डाउन साइज होती जा रही है ठीक है. तो अभी आप देखोगे जैसे महाराष्ट्र में शायद गुड़ी पड़वा के दिन छुट्टी हो, लेकिन गुड़ी पड़वा किसी और स्टेट में नहीं मनाया जाएगा है ना. गुड़ी पड़वा कहीं पे और नहीं मनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको नवरोज जो है वो पारसियों का न्यू ईयर है. अभी भाई साहब अगर ऐसे न्यू ईयर में छुट्टी देने लगे तो हर एक कम्युनिटी का एक न्यू ईयर है. बंगाली कम्युनिटी का एक न्यू ईयर है, पंजाबी कम्युनिटी का एक न्यू ईयर है, आपके केरलाइट्स का एक न्यू ईयर है, तो कितनी छुट्टियां हो जाएंगी फिर ठीक है. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज किया है ठीक है, क्योंकि ये कंडेंसिंग कम्युनिटी है, इनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है. तो अभी और क्या करे गवर्नमेंट, व्हाट एल्स कैन दे डू ठीक है. तो एक स्मॉल सा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से कि स्कूलों को बोला है कि छुट्टी दीजिए ठीक है, नवरोज के दिन छुट्टी दीजिए पारसी कम्युनिटी के लिए ठीक है. सो दैट इज वन थिंग. मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा छुट्टी देने से वो कम्युनिटी एक्सपैंड कर जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन उस कम्युनिटी को एक संदेश है गवर्नमेंट का कि चलिए आप भी हमारे साथ हैं, वी आर रिकॉग्नाइजिंग यू ठीक है, वी रिकॉग्नाइज यू एज अ पार्ट ऑफ आवरसेल्व्स ठीक है. ओके द सेफगार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट दे माइट फेस. Given certain conditions, communities that are small in number relative to the rest of the society may feel insecure about their lives, assets and well-being. So, aisa ho sakta hai. They might, jo chote-chote communities hain, theek hai? Communities that are small in number relative to the rest of the society may feel insecure about their lives. So, jo small communities hain, they might feel insecure about their lives, assets and well-being. Theek hai? Aisa ho sakta hai, theek hai? This sense of insecurity may get accentuated if the relations between the minority and the majority communities are fraught. तो यह भाई साहब आपका accentuated हो जाएगा ठीक है. अगर अगर majority और minority communities में जो संबंध है वो तनावपूर्ण है तो majority community हमेशा चाहेगी कि minority community को dominate करे है ना. अरे हम ज्यादा हैं भाई साहब, आप देखो ना किसी से आपकी लड़ाई हो गई तो आप कितना रुक रुक अभी मैं बुलाता हूं, तुम क्यों किसको बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो, तुम तादाद दिखाने के लिए बुला रहे हो ना. आपने देखा रहेगा ना लोग जब झगड़ते हैं अपने आप में, रुक 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 मैं बुला के लाता हूं अभी इसको ठीक है, मैं और 10 को बुला के ला रहा हूं. क्या क्या दिखाने के लिए, तुम मेजोरिटी दिखाने के लिए बुला रहे हो ना कि तुम्हारे साथ और लोग हैं है ना. दैट इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, इरेशनल कॉन्सेप्ट, बट अगेन इट्स अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट. तो इसीलिए जो लोग तादाद में ज्यादा होते हैं वो हमेशा जो लोग तादाद में कम होते हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं ठीक है. और द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दीज सेफ गार्ड. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको सेफ गार्ड प्रोवाइड किया है. They have provided safeguards.
The constitution provides these safeguards. ठीक है, कि आपका टॉर्चर ना हो, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट ना हो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के हो. बिकॉज इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रोमोटिंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस. एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 5, द जुडिशियरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव, ठीक है, कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड. अगर किसी सिटीजन को यह लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, दे कैन अप्रोच द कोर्ट. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मार्जिनलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. ठीक है, तो मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, मुस्लिम्स आर 13.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. ठीक है, एंड आर कंसिडर्ड टू बी अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया टूडे बिकॉज इन कंपेरिजन टू अदर कम्युनिटीज, दूसरे कम्युनिटीज के चलते इनको हम मार्जिनलाइज मान रहे हैं. इंडिया की पॉपुलेशन का ये हिस्सा है मुस्लिम्स का. ठीक है, दे हैव ओवर द इयर्स बीन डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो काफी सालों से इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनको डिनाई किया गया है. ठीक है, द डेटा इन द 3 टेबल्स शो डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी विद रिगार्ड्स टू बेसिक एमिनिटीज, लिटरेसी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. रीड द टेबल्स. तो लेट्स से आपकी बेसिक एमिनिटीज, कच्चा हाउसेस. ठीक है, 1994 का ये डेटा है. ठीक है, 63.6% मुस्लिम्स लिव इन कच्चा हाउसेस. कच्चा हाउस मतलब समझते हैं, राइट, जो भाई साहब आपके ईट पत्थर का ना बना हो, जो आपके मट्टी मिट्टी का बना हो. ठीक है, 55.2% ऑफ हिंदूज लिव इन कच्चा हाउसेस. ये एक एक जनरल वो है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, 30% ऑफ मुस्लिम्स हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, 43% ऑफ हिंदूज हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी. तो ये एक परसेंटेज है. पाइप्ड वाटर, 19.4% ऑफ मुस्लिम्स हैव एक्सेस टू पाइप वाटर, जो घरों में सप्लाई होता है. जो आप कुएं से निकालते हैं वो पाइप्ड वाटर नहीं है, जो आप नदी से निकाल के ला रहे हैं वो पाइप वाटर नहीं है. ठीक है, 25.3% ऑफ हिंदूज हैव एक्सेस टू पाइप वाटर. ठीक है, लिटरेसी रेट बाय रिलीजन 2001, ऑल हिंदूज मुस्लिम्स क्रिश्चियन सिख्स बुद्धिस्ट एंड जैन्स. ठीक है, 65% हिंदूज का, 65% है मुस्लिम्स का, 59% क्रिश्चियंस का, 80% है सिख्स का, 70% बुद्धिस्ट का, 73% एंड जैन्स का 94%. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स अगर हम देखेंगे, पॉपुलेशन 13.5% है. ठीक है, IAS, IPS, ये IAS है बेसिकली, दिस इज IAS. ठीक है, IPS 3%, IPS 4% एंड IFS 1.8%. ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं, टॉप जॉब्स हैं गवर्नमेंट के. ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर 3.3 यूनिट्स. ठीक है, 3.3 स्टेट PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. स्टेट के जॉब्स जैसे आपके पुलिस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे. ठीक है, ये आपके 10% है. बैंक एंड RBI यहाँ पर 2.2% इन्वॉल्व है. ठीक है, रीड द डेटा रिलेटेड टू स्कूलिंग प्रोवाइडेड बाय द 7-4 कमिटी रिपोर्ट. 25% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 टू 14 ईयर्स एज ग्रुप हैव बीन ईदर नेवर बीन एनरोल्ड इन अ स्कूल और हैव ड्रॉप्ड आउट. तो 25% कभी स्कूल गए ही नहीं है या थोड़ी बहुत पढ़ाई के बाद उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, जो भी रीजन है. ठीक है, जो भी रीजन है. दिस परसेंटेज इज मच हायर देन एनी ऑफ द अदर सोशो रिलीजियस कम्युनिटी. डू यू थिंक स्पेशल मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस दिस सिचुएशन? ठीक है, कोई भी रीजन हो, चाहे उनकी तरफ से ही रीजन क्यों ना हो, बट दिस ड्रॉप आउट परसेंटेज इज डेफिनेटली हायर देन अदर कम्युनिटीज. ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग दैट मुस्लिम्स इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, द गवर्नमेंट सेट अप अ हाई लेवल कमिटी इन 2005. ठीक है, चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र साचार, द कमिटी एग्जामिन्ड द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया. द रिपोर्ट डिस्कसेस इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कमिटी. It suggests that on a range of social, economic, and educational indicators, the situation of the Muslim community is comparable to that of the marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribes. उन्होंने बोला जो scheduled caste और scheduled tribes के साथ हुआ है, Muslims के साथ भी percentage wise almost same हो रहा है. ठीक है, that is what they said. Okay. For example, according to the report, the average years of schooling for Muslim children between the ages of 7 to 16 is much lower than that of other socio-religious communities. Schooling jo hai inki bahut kam hai, bahut weak hai. Theek hai, economic and social marginalization experienced by Muslims has other dimensions as well. Like other minorities, Muslim customs and practices are sometimes quite distinct from what is seen in the mainstream. Some, not all Muslims, may wear a burqa
ठीक है, स्कॉट अ लॉन्ग बियर्ड, वियर अ फेस एंड अदर्स वेज टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स। तो अलग अलग कस्टम्स हैं, कुछ लोगों को आपने देखा रहेगा बुरखा पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, कुछ टोपी डालते हैं, कुछ दाढ़ी बढ़ाते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इनका अलग अलग है भाई साहब, ठीक है, दे हैव देयर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सम वेयर अ बुरखा, सम कीप लाइक दिस, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली, क्योंकि उन्होंने अपने आप की ड्रेसिंग को अलग रखा है, इसीलिए उनको डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई भी किया जाता है। देखो एक एक, एक फुटबॉल ग्राउंड है समझ लो, ठीक है, एक टीम है जिसका एक जर्सी है, एक दूसरा कोई आ गया तो आप उसको अलाउ करोगे क्या? नहीं ना, ठीक है। तो इसी तरह से मेन स्ट्रीम में अगर आप अपने रिलीजन के पोशाक के साथ उतरते हैं तो आपसे लोग पहले दूर हटेंगे। आप मेन स्ट्रीम में कैसे आ पाओगे? आप अपने रिलीजन को मानते हुए या पालते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो आप दूसरों की तरह नहीं है, तो मतलब आप अपने आप को अलग ही दिखा रहे हैं, तो आपको अलग ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। वैसा ही हो रहा है ना, ठीक है। सो ऑल्दो इट इज नॉट अ पॉइंट हियर दैट दे शुड नॉट बी वेयरिंग अ बुरखा और दे शुड नॉट बी वेयरिंग अ टोपी और कीपिंग अ बियर्ड, द पॉइंट हियर इज दैट व्हेन यू ड्रेस अप इन अ डिफरेंट वे और यू कैरी योरसेल्फ इन अ डिफरेंट वे, सो ऑब्वियसली यू विल बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। ये जनरल परसेप्शन है, आपके खिलाफ कोई आक्रोश हो ये गलत है, लेकिन आपके खिलाफ डिफरेंस आ जाएगा, आपका ड्रेस अप डिफरेंट है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, आपका ड्रेस अप डिफरेंट है। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली, इसीलिए भाई साहब हम उनको दूसरे तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक रेस्ट ऑफ अस, ठीक है, कुछ लोगों के मन में आता है ये हमारी तरह नहीं है, ठीक है। ऑफन दिस बिकम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम, तो इनको भाई साहब अनफेयरली हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेट करते हैं इनको, ठीक है। सो डू यू रिमेंबर रीडिंग इन योर क्लास 7 बुक हाउ अबाउट द अंसारी इज वेयर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेंट अ हाउस, ठीक है। तो रेंट अ हाउस के लिए या कोई घर मिलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, कोई जॉब मिलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, तमाम मुश्किलात से ही गुजरते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। एनी क्वेश्चन पीपल? हम टिल नाउ नो क्वेश्चन सर, हम कर लें अभी, कर लें। ओके, द सोशल मार्जिनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंसेस हैज लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे हैव लिव्ड, यहां से भी माइग्रेशन होता है, ठीक है। समटाइम्स दिस प्रेजुडाइस लीड्स टू हेट्रेड एंड वायलेंस लीडिंग टू गेटोजिन ऑफ द, अभी गेटोजिन क्या होता है भाई साहब? एक जगह पे आ जाना, जैसे अगर आप देखोगे एक बिल्डिंग में एक मुस्लिम है तो सारे मुस्लिम्स वहां पे आ रहे हैं, ये पूरा बिल्डिंग ही मुस्लिम्स का हो गया है, ठीक है। यू विल सी, इसको अपन बोलते हैं गेटोइजेशन, एक जगह पे आ जाना, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि दूसरे जगह पे इनको घर नहीं मिलेगा या शायद मिलता भी ना हो, ठीक है। ओके, आई लिव इन अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, सम डेज बैक ड्यूरिंग रमजान देयर वाज सम डिस्टरबेंस दैट स्टार्टेड टेकिंग अ कम्युनल आउटलुक, माय ब्रदर एंड आई हैड गॉन फॉर एन इफ्तार पार्टी इन द नेबरहुड एंड वी ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स दैट इज शेरवानी एंड सलवार कमीज, ठीक है। ऑन रिटर्निंग होम माय ब्रदर एंड आई वर आस्क्ड टू चेंज आवर क्लोथ्स टू जींस एंड टी शर्ट, नाउ व्हेन एवरीथिंग इज फाइन I wonder what was the reason that we were asked to change our clothes and why I didn't find it odd. ठीक है, तो ऐसे हो रहे हैं भाई साहब, where our clothes giving away our identity and is that identity linked to all kinds of fears and discrimination? ठीक है, तो ये आपका एक experience है, ठीक है। In the above section of this chapter, we saw how in the case of Muslim community there is a link between economic and social marginalization. Earlier in this chapter, you read about the situation of Adivasis. In your class 7 book, you read about the unequal status of women in India. So, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, कहीं पे आदिवासी कम्युनिटी का मार्जिनाइजेशन है, कहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी का मार्जिनाइजेशन है, कहीं पे वुमेन का मार्जिनाइजेशन है, अलग अलग, ठीक है। जो भी सामाजिक वर्ग आपका कमजोर दिखता है उसकी टेंडेंसी दिख रही है मार्जिनलाइज होने की, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स पॉइंट टू द फैक्ट दैट मार्जिनाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इट रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, मेजर्स एंड सेफगार्ड्स to redress this situation. All of us have a stake in protecting the rights defined in the constitution and laws and policies framed to realize these rights. Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to protect equality for all. The Sachar Committee report also debunked other prevalent myths about Muslims. It is commonly believed that the Muslims prefer to send their children to madrasas. ठीक है, तो मदरसा में पढ़ाई होती है। द फिगर शो दैट ओनली 4% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन आर इन मदरसास, देयर आर 66% अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड 30% प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, मदरसा में
एक्चुअली में मदरसा में जो लोग पढ़ाते हैं उनको गवर्नमेंट पगार देती है, दे आर पेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन सिर्फ 4% लोग ही मदरसा में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, बाकी के 66% दे आर गोइंग टू इधर गवर्नमेंट स्कूल्स और दे आर गोइंग टू प्राइवेट स्कूल्स। समझ में आ रहा है, इक्वेशन समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट एक्चुअली इन टीचर्स को पे कर रही है जो मदरसा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन, इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस टू बी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, वी हैव ट्राइड टू लुक एट दिस थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटीज बीइंग मार्जिनलाइज्ड, ईच एक्सपीरियंसेस मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंट वेज, वी हैव ऑल्सो सीन दैट मार्जिनलाइजेशन इज लिंक्ड टू एक्सपीरियंसिंग क्या क्या डिसएडवांटेज, प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब अहंकार, ठीक है, कोई अपने आप को बहुत ऊपर मान रहा है क्योंकि वो मेजोरिटी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, कोई अपने आप को बहुत डाउन ट्रोडन मान रहा है क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, सो देयर इज अ डिफरेंस इन ईगो, ठीक है। पावरलेसनेस, अरे यार मैं तो मतलब डाउन ट्रोडन कम्युनिटी का हूं। इन इंडिया देयर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक दलित्स, ऑफ होम यू विल रीड मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। मार्जिनाइजेशन रिजल्ट्स इन हैविंग अ लो सोशल स्टेटस, नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज। यस, द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन एंड डू चेंज, बिकॉज नो वन इज मार्जिनलाइज्ड ऑल द टाइम इज एग्जैक्टली द सेम वे। If we go back to two examples of marginalization we have discussed, we will see that each of these groups has a long history of struggle and resistance. Marginalized communities want to maintain their cultural distinctiveness while having access to rights, development and other opportunities. In the next chapter, we will read about how different groups have confronted marginalization. Dusra chapter aapka confronting marginalization hai. Hai wo chapter? Nahi hai. Hai. Theek hai.